के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव खड़वा में दुकान का स्लिप बनाने को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। मारपीट में कई लोग हुए घायल। बिलारी थाना क्षेत्र के गांव में बीते दिनों एक दुकान का स्लिप बना रहा था, तभी दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया तो दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं एक पक्ष ने आज SSP मुरादाबाद के कार्यालय पहुंचकर दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दूसरे पक्ष ने उनके परिवार के साथ मारपीट की, महिलाओं पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं SP देहात विद्यासागर का कहना है कि इस संबंध में दोनों ही पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो नाम बताइए, आपका नाम क्या? साथ ही नाम है मेरा। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे संग है पैरी बना रहा, उधर भी शोर शराब लेके अपने भतीजों को लेकर शोर काटन लगा मोड़े पे। जैसे ही मेरी बेटी बाहर को निकले, कैसे शोर हो रहा है भैया, तो वो उनने फटाक तो उसके भतीजों ने एकदम उसको पकड़ लिया। ये उदयवीर ने पकड़ लिया, जैसे अंदर को घर में घुसी तो इसके साथ साथ घुस गए। उन्होंने मुझे भी मारा, वहाँ इसे भी मारा। लड़की को ला के मेरी अंदर अपने शटर में बंद कर लिया। मैं पीछे से भागी तो मुझे भी और इसे भी पत्थरों से कुचल दिया। सारा सिर देगा हमारा सिर में। उदयवीर आया, उनने उसके पापा आए खेत पे से, जैसे डाली एकदम यहाँ पापड़ा मारा, सड़क तमाम देखो कून में कुर्ता दिखाइए बेटा, कून का कुर्ता बचाने का। देखो मेरा दुपट्टा, देखो मेरा दुपट्टा, देखो देखो क्या सुना तुम्हें। लोग आपके साथ पड़ोस थे, अरे बना रही है दरवाजे के सामने बिल्कुल, अभी उनने दरवाजे मेरे मोड़े पे लिखा रहा है बराबर बराबर दरवाजा, इनके दरवाजे पे कोई दरवाजा निकाल दिया। जबरदस्ती क्या कर लेगी, क्या कर लेगी तू? नतीजे तेरी लड़कियों का मुँह काला कर दूंगा, तेरी लड़कियों को मैं पड़ोस में ऐसे। कितने लोगों के साथ मारपीट की गई? हम तो चार माँ बेटी थे, इनके पापा और माँ बेटी थे, ये नानी अम्मी है, जैसे बचाने गई इनकी भी पसंद तोड़ दी। हम बचाने लगे, कुछ मेरी कोई सुनवाई ना हो, उसके शराबी लड़कों ने आकर रुपया दे दिया, उन्होंने कि बचा दो इन्हें। मामला दर्ज क्या पता हुआ ना हुआ, कुछ ना मेरी बेटी की हमारी सुनवाई ना करी, भगा दिया। यह कप्तान जी से एक बहुत सुना, उन्होंने कहा SP साहब से, हमसे कही किसी ने कम, उनसे जाके मिलो, वो तुम्हारी सूचना हल करेंगे, तुम्हारे बच्चे का इलाज कराएंगे। क्या आश्वासन दिया गया कप्तान साहब? कुछ ना दिया। क्या कहा कप्तान साहब? उन्होंने कहा हम तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे बच्चों का। ये दिनांक 15 अगस्त को दो पक्षों में जो आमने सामने जिनका घर है आपस में मारपीट हुई थी, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। क्योंकि दोनों पक्षों को गंभीर चोट है तो इस वजह से अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है। मेडिकल के आधार पर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, दोनों तरफ से अभियोग पंजीकृत। इनका आमने सामने घर है, किसी बात को लेकर के इनका विवाद था, उस संबंध में आपस में मारपीट किया गया था। अभी जो मेरे समक्ष पक्ष उपस्थित हुआ था उसमें 3 महिलाएं घायल हैं। थाने से जानकारी प्राप्त करने पर पता चला है कि उधर से एक पुरुष को चोट लगी है।